जाफरान द मेगा मार्ट में पाए हर प्रोडक्ट पर 5-50% डिस्काउंट। पर्सनल एंड बेबी केयर, ग्लॉसरी, ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स, डेयरी एंड बेवरेज, होम एंड किचन, राशन का हर सामान मार्केट से कम दाम। द मेगा मार्ट जाफरान। आप जाफरान मेगा मार्ट के वेबसाइट या कॉल करके घर बैठे ऑर्डर दे सकते हैं। COD और UPI पेमेंट अवेलेबल। फ्री होम डिलीवरी। आप मोबाइल में ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। रविवार को मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके अलावा दिन में धारा 144 लागू रहेगी। एक जगह पर अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। साथ ही पूरे राज्य में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। ये सभी नियम सोमवार रात 8 बजे से लागू हो जाएंगे। बढ़ते मामलों पर कड़क वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान क्या चीज़ें बंद रहेंगी और क्या चालू रहेंगी, ये जानना बेहद ही ज़रूरी है। मॉल, रेस्टोरेंट और बार पूरे तरीके से बंद रहेंगे। जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी। सरकारी ऑफिस में 50% तक ही क्षमता से काम हो सकेंगे। सब्जी मंडी चालू रहेगी। शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रहेगा। होटल में सिर्फ पार्सल दिया जाएगा, आप बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं। सिनेमा हॉल्स, पार्क, खेल के मैदान पूरी तरीके से बंद रहेंगे। रिक्शा, टैक्सी, ट्रेन चालू रहेंगी। बड़े फिल्मों की शूटिंग की भी इजाज़त नहीं दी गई है। साथ ही इंडस्ट्री पूरी तरह से चालू रहेगी। वर्कर्स पर कोई दबाव नहीं रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% की क्षमता से चलेगी। साथ ही धार्मिक स्थल भी बंद करने का फैसला लिया गया है। अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक ने क्या जानकारी दी है, सुनिए। आज मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और कोरोना को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। महाराष्ट्र में सख्त नियमावली बनाई गई है। कल शाम 8 बजे से वो नियमावली लागू होगी। शाम 8 बजे से सुबह 7 बजे तक महाराष्ट्र में रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। बाकी समय में 144 पाँच से ज़्यादा लोगों पे जमा होने पे पाबंदी रहेगी। सभी मॉल, रेस्टोरेंट, बार्स ये बंद करने का निर्णय लिया गया है। टेक अवे सर्विसेज चालू रहेगी। एसेंशियल सर्विसेज के जो भी वो है वो चालू रहेंगे। सरकारी कार्यालय 50% की क्षमता से चलेंगे। इंडस्ट्री पूरी तरह से चालू रहेगी। वर्कर पे किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं रहेगी। कंस्ट्रक्शन साइट पे जहां वर्करों को रहने की व्यवस्था है वो सारी कंस्ट्रक्शन साइट चालू रहेगी। सरकारी ठेके में जहां लोग काम कर रहे हैं निर्माण का, वो सारे काम चालू रहेंगे। साथ ही साथ जो पूरी तरह से सब्जी मंडी है या जो भी चीज़ें हैं उस पर किसी भी प्रकार का निर्बंध नहीं, लेकिन भीड़ कैसे रुकेगी इसके लिए नियमावली बनाई गई है। साथ ही साथ ये भी निर्णय लिया गया कि शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक ये स्ट्रिक्ट लॉकडाउन वीकेंड में महाराष्ट्र में रहेगा। ये निर्णय लेते समय एक मत से सभी लोगों ने चर्चा करके निर्णय लिया है और निर्णय लेने से पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विरोधी पक्ष नेता से भी बात की, मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे जी से भी बात की, होटल इंडस्ट्री के लोगों से बात की गई, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों से बात की गई, फिल्म निर्माताओं से बात की गई और सभी वर्ग से चर्चा करके ये निर्णय लिया गया है। एक महत्व की बात बताने के लिए रह गई कि शूटिंग पे जहां भीड़ नहीं होगी कोई प्रतिबंध नहीं रहने वाला, लेकिन थिएटर्स बंद रहने वाले हैं। पार्क 8 बजे के बाद बंद हो जाएंगे और वीकेंड में एकदम ही सारी चीज़ें बंद की जाएगी एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के, लेकिन ट्रांसपोर्ट व्यवस्था शुरू रहेगी।
ना रिक्शा बंद होने वाली है, ना प्राइवेट गाड़ियाँ, ना टैक्सी बंद होगी, ना बस सेवाएँ बंद होगी, ना ट्रेन बंद होगी। हाँ, मास्क लगाना कंपलसरी होगा और जो क्षमता है उसकी आधी क्षमता से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा, इस तरह का एक मत से निर्णय लिया गया। और ये भी चर्चा हुई कि रेमडेसिविर जो दवा है जिसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं कुछ लोग जहां ज़रूरत नहीं वहां भी कर रहे हैं, तो उसकी भी नियमावली जो पैसे पहले थी उसी तरह की रहेगी। सरकारी अस्पतालों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन कुछ प्राइवेट अस्पतालों में जिसे ज़रूरत नहीं वहाँ भी लगाया जा रहा है और नहीं मिल रही, इस तरह का कुछ लोग पैसे कमाने के लिए गड़बड़ी कर रहे हैं, उन्हें भी नियंत्रित किया जाएगा। ऑक्सीजन की कमी नहीं हो इसके लिए सारी व्यवस्था की गई है और बिस्तर बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। जो भी नगर पालिका, महानगर पालिका, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर भी कॉल सेंटर शुरू है, ये भी निर्णय लिया गया कि मंत्रालय में भी कॉल सेंटर शुरू रहेगा। हमें लगता है ये सारे नियमों का जनता ने पालन किया तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र में कोविड पे हम कंट्रोल कर पाएंगे।